नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत से बच्चे का अभी भी डाउट में है कि सर हमारे रिजल्ट के आगे में जो कि है ना, यहाँ पे लिखा है किसी का बी लिखा हुआ है, ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, किसी का बी लिखा हुआ है, किसी का ए लिखा हुआ है, किसी ए प्लस, किसी का बी। तो बहुत से बच्चे अभी डाउट में है, तो क्लास 8 का जो रिजल्ट जारी हुआ आज, उसके बारे में चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। तो एक बच्चे का मैंने जो कि मार्कशीट लिए, ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना सारा आपका नीचे में आपका लिखा हुआ है सारा का सारा चीज़। जिस भी बच्चे का, ठीक है, रिजल्ट के आगे में मतलब आपका सब्जेक्ट जो भी था, सब्जेक्ट के आगे में जो चार पेपर थे उसके आगे में अगर बी है तो समझ लीजिए आपका जो कि यहाँ पे देखिए बी आप ग्रेड आपको मिला है, ठीक है ना, जो कि है आपको गुड जो कि है डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। मतलब कि क्या, अगर आपका 33 से अगर कम नंबर आया है, ठीक है ना, पेपर में किसी भी पेपर में, तो उसको डी में रखा गया और जो कि हुआ मार्जिनल लिखा गया, मतलब कि उसको फेल कर गया, मार्जिनल में रखा जाता है उसको, ठीक। उसी प्रकार से 33% से लेके 45% के बीच में जिसका भी नंबर आया है उसको सी ग्रेड में रखा गया, और 45 से 60 के बीच में जिसका भी नंबर आया उसे बी में रखा गया, ठीक है। और जो कि है 60 से लेके जो कि है आपका 80% तक आपका जो कि है ए रखा गया, और 80 से जिसका भी अधिक है उसे एक ग्रेड ए प्लस दिया गया है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो आपका क्या दिया, एक्सलेंट बच्चे को माना जाएगा, जिसने भी 80+ अधिक लाया उसे एक्सलेंट माना जाएगा, और 60 से 80 के बीच में जो भी लाया उसे वेरी गुड, और 45 से लेकर 60 के बीच में से गुड, और जो कि है आपका 33 से लेकर 45% के बीच में जो भी नंबर लाया उसे क्या कहते हैं, एवरेज रखा जाता है, और जो 33 से कम उसे मार्जिनल में रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इसका मतलब क्या है, इसका जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों दिया आ रहा था इसका, जो कि है जिसने आपका जितना भी नंबर आया है ये उसका ग्रेड आप इसमें दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।